इन सात राशि वाले होते हैं गुस्सैल। महिलाओं को आता है सबसे ज्यादा गुस्सा। आज हम आपको ज्योतिष के माध्यम से ये बताने वाले हैं कि कौन सी राशि की महिलाएं ज्यादा मानसिक तनाव महसूस करती हैं। मेष, इस राशि की महिलाओं के मन की चंचलता ज्यादा होती है और ये तनाव भी ज्यादा लेती हैं। इनके मन की समस्याएं आमतौर पर उम्र के 32वें वर्ष से शुरू होती हैं। इनको नियमित रूप से दूध का सेवन करना चाहिए, साथ ही सूर्य को जल अर्पित करना इनके लिए लाभकारी होता है। वृष, इस राशि की महिलाओं को छोटी छोटी बातों पर तनाव पालने की आदत होती है। ये समस्याएं आयु के 18वें वर्ष से दिखनी शुरू हो जाती हैं। नियमित रूप से योगासन का अभ्यास और शिवजी की उपासना इनके लिए लाभकारी होती है। कर्क, इस राशि की महिलाएं न केवल तनाव पालती हैं बल्कि उसे बढ़ा चढ़ाकर समझती हैं। इनका तनाव अक्सर काल्पनिक ही होता है। सफेद चंदन लगाएं और शिवजी की उपासना करें। कन्या, इस राशि की महिलाओं को तनाव पालने से ज्यादा तनाव देने की आदत होती है। हालांकि इनको तनाव भी होता है, जब धन संबंधी कोई मामला हो इनको नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए तथा काले रंग से परहेज करना चाहिए। वृश्चिक, ये हर छोटी बड़ी बात पर तनाव पालती हैं और बात बात में घबरा जाती हैं। आमतौर पर आयु के 28वें और 29वें वर्ष से ये स्थितियां शुरू हो जाती हैं। इनको सूर्य को नियमित जल अर्पित करना चाहिए, साथ ही चांदी जरूर धारण करें। धनु, इस राशि के महिलाओं को या तो बिल्कुल तनाव नहीं होता या तनाव में बिल्कुल अवसाद में चली जाती हैं। इनको फल का सेवन जरूर करना चाहिए, साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कुंभ, इस राशि की महिलाओं की सारी समस्या मन की ही होती है। इन्हें कल्पना की समस्या ज्यादा होती है, जिस कारण इन्हें सर दर्द होता रहता है। इनको ध्यान और योगाभ्यास करना चाहिए तथा नशे से बचना चाहिए। आपको बता दें कि मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि की महिलाओं को टेंशन कम होती है। इस राशि की महिलाएं हमेशा खुश रहती हैं और लोगों का मनोबल भी बनाकर चलती हैं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।